हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल शैली की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बंगाल शैली के बारे में जाना, बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में जाना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं मुकुल चंद्र डे। ठीक है, मुकुल चंद्र डे, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मनीषी डे के बारे में। ठीक है, ये उन्हीं के ही बड़े भाई हैं। कौन? मुकुल चंद्र डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुकुल चंद्र डे का जन्म हुआ है 1895 में। कब हुआ है? 1895 में। उनकी मृत्यु कब हुई है? 1989 में। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 1895 में और इनकी मृत्यु हुई है 1989 में। ठीक है, चलिए तो अब जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में। ठीक है, जन्म का जन्म हुआ है 23 जुलाई कब? 23 जुलाई 1895 को। 1895 को कहाँ? श्रीधर खोला। कहाँ है आपका? बांग्लादेश। श्रीधर खोला बांग्लादेश। चलिए तो इनका जन्म हुआ है कब? 23 जुलाई को। ठीक है, सन 1895 को। कहाँ पर? श्रीधर खोला। और ये आपका है कहाँ? बांग्लादेश में है। ठीक है, तो इनका जन्म हो गया 23 जुलाई को। इनका सन कौन सा हो गया? 1895 में। कहाँ हुआ? श्रीधर खोला, जो आपका कहाँ है? बांग्लादेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकी शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई है और किसके सानिध्य में हुई है? ठीक, तो इनकी शिक्षा हुई है शांति निकेतन में। ठीक है, शांति निकेतन वीरभूमि में। किसके सानिध्य में हुई है शांति निकेतन में? तो हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर के। किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए और आगे इनकी शिक्षा किस कहाँ पे हुई है? तो इनकी कलकत्ता कला विद्यालय में हुई है। अब कलकत्ता कला विद्यालय में कौन रहे होंगे इनके कला गुरु? कलकत्ता कला विद्यालय। ठीक, तो कलकत्ता कला विद्यालय में इनके गुरु हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये निर्देशन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मुकुल चंद्र डे भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ कलाकार हैं। ठीक है, किसके अगुआ कलाकार हैं? ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ कलाकार हैं। ठीक है, वह कलाकार हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अभी पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। ठीक है, मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो इनकी शिक्षा कहाँ? शिक्षा शिकागो। ठीक है, शिकागो आपको कहाँ? अमेरिका में। ठीक, शिकागो अमेरिका में। ठीक है, किससे? तो है जेम्स ब्लेडिंग सिलोन। ठीक है, ब्लेडिंग सिलोन और किससे? और बर्थ जैक से प्राप्त किया। किसे? बर्थ जैक से प्राप्त किया। ठीक है, चलिए इसको समझ करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ है? 23 जुलाई को का सन 1895 में हुआ है। कहाँ हुआ है? श्रीधर खोला, जो आपका कहाँ है? बांग्लादेश में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा शांति निकेतन और कलकत्ता कला विद्यालय दोनों जगह हुई है। ठीक, तो शांति निकेतन में इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी?
रविन्द्रनाथ टैगोर से, किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से। और कलकत्ता कला विद्यालय में किससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? तो कलकत्ता कला विद्यालय में इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से शिक्षा प्राप्त की थी। किससे? अवनींद्रनाथ टैगोर से। ठीक, मुकुल चंद्र डे भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ कलाकार माने जाते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को ही इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे। ठीक, ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ कलाकार किसको माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? मुकुल चंद्र डे को माना जाता है। ठीक, किसको? मुकुल चंद्र डे को। क्या? भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ कलाकार। ठीक, मुकुल चंद्र डे ने किसकी एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो इन्होंने शिकागो अमेरिका से। ठीक, किससे? जेम्स ब्लेडिंग सिलोन और बर्थ जैक से प्राप्त की। तो किस किस से शिक्षा प्राप्त की? जेम्स ब्लेडिंग सिलोन से और बर्थ जैक से प्राप्त की है। किसकी शिक्षा? एचिंग तकनीक की शिक्षा। कहाँ पर? शिकागो अमेरिका में। ठीक, किसने? मुकुल चंद्र डे ने। ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। ठीक, मुकुल चंद्र डे इसके कलकत्ता कला विद्यालय वे प्राचार्य नियुक्त हुए। क्या हुए? वे प्राचार्य नियुक्त हुए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुकुल चंद्र डे कलकत्ता कला विद्यालय में प्राचार्य कब नियुक्त हुए? कहाँ पर? कलकत्ता कला विद्यालय में। क्या नियुक्त हुए थे? ये प्राचार्य के तौर पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? तो 1928 ईस्वी में हुए थे। ठीक, कब? 1928 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता कला विद्यालय में। क्या? प्राचार्य के तौर पर ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। मुकुल चंद्र डे शिकागो सोसाइटी ऑफ इचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुकुल चंद्र डे किसके सदस्य थे? तो आप बताएंगे शिकागो सोसाइटी ऑफ इचर्स के सदस्य थे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि शिकागो सोसाइटी ऑफ इचर्स के सदस्य निम्न में से कौन थे? तो आप कहेंगे मुकुल चंद्र डे। ठीक, मुकुल चंद्र डे ने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे कि पहली बार क्या हुआ है यहाँ पर, महिलाओं को दाखिला दिया गया। मुकुल चंद्र डे ने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो आपका कहाँ है, कोलकाता में, क्या किया इन्होंने? महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ कहाँ किया गया? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला आरंभ किया गया था। ये कहाँ है? कोलकाता में। और मुकुल चंद्र डे ने क्या किया था गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में कोलकाता में? किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो उनके लिए दाखिला आरंभ किया था। ठीक है, तो इनके लिए, इनके जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।